भाई वानखेड़े का, वानखेड़े स्टेडियम का कुछ ऐसा मसला है कि इधर 50 रुपए पेप्सी के ऊपर लेकर है लेकिन 150 रुपए ले रहे, बड़ा फंडा है। ये देखो यही बंदा है, वो यही ले रहा है, वो कुछ करो यार, ऐसा मत करो, टूरिस्ट है तो कम से कम हिसाब से लिया करो थोड़ा। ये क्या है, सीधा सीधा 100 रुपए का फटका, कुछ तो शर्म करो वानखेड़े वालों। मैंने उसको बोला तो मैंने तो बोला बोला आप मैं मैंने मैं देखे नहीं आऊंगा तेरा पुलिस से, और वो मैंने पुलिस किया नहीं, वो अभी मैंने ऐसा रखा रहेगा, अभी वो सीट के नीचे मैंने ऐसे रखा क्योंकि मुझे किसी का पीना है, मैं बंदे वो अभी उसके बाद इधर आओ मिल रहा ऊपर जाकर वहाँ छुप रहा है तुम्हारा एक और बंदा आया था मुझे भी सफर मैंने उसको छुट्टियाँ बनाते हो ईमानदारी से कमाओ जो रेट है। कैरेट का 50 लिखा है तो किसी ने हमारा 100 रुपये सोना सा दिए, अभी वो तो है वो उसको नहीं बोल सकते ठीक है, और हमारे बाजू में कोई बैठा था उसने आइसक्रीम लिया 100 रुपये, इसका आईडी कहाँ है, ये बंदे ने 100 रुपये में समोसा भी दे दिया, वो भी इसका आईडी कहाँ है, तेरा आईडी कहाँ है, आईडी कहाँ है, इसने आईडी से फोटो लिया, आईडी आईडी फोटो है ना, तेरे मोबाइल में लिया ना, इसका आईडी लिया था ना, तभी फोटो खींचा, फोटो तो मेरे को है ना, फोटो डाल दो इसको, चलो पैसे की बात नहीं आ रही है, पैसे मेरे पैसे तो कहाँ से दूंगी, पुलिस वाले के पास चार घंटे गाड़ में घुसेंगे तो पैसे तो कैसे देगा, चल नीचे चल, चल नीचे चल, नीचे चल भाई तेरी कुछ नहीं है, नहीं सर मैं मानना हूँ उसके बाद मारना है, अगर इसे आप कुछ काम का दोस्त से थप्पड़ मार दे, छोटा के बड़ा भाई, छोटा के बड़ा जैसे झूठ बोल रहा भाई मेरे, देख राजा तू मेरे को इमोशनल मत कर, तेरी कोई गलती नहीं, तू मुझे इमोशनल मत कर, मेरी कोई गलती नहीं राजा, मेरे इसमें 50 लिया, मैं इसको कुछ बोल रहा हूँ क्या, इसको कुछ नहीं बोला, इसे 50 सही लिया, इसने लिया मैं इसको रोका नहीं, इसके जो जितने पैसे चार्ज नहीं, इस तू क्यों देगा भाई, अरे भाई वो कस्टमर लोग घमंड से बोल भी रहा था कि अरे भाई 80 रुपये में बो रहा, मेरा सेठ बोला है, सीधा सीधा बोल रहा है, वो बोला भी उधर, और उसने दो तीन लोगों का आर्गुमेंट भी कर रहे हैं, अरे 50 रुपीज़ लिखा है, बोलता है अरे रेट चेंज हो गया, ऐसा बोल रहा हो, ब्लॉक जी स्टेडियम में ब्लॉक जी के इस स्टॉल पर फ्रॉड हुआ, पूरा डिटेल में लिखना, इसलिए कुछ नंबर तो होगा ना, उसका आईडी कहाँ है, नंबर पूछो, सब मेरे पास है, सब है ना, स्टॉल का जी आया से भाई, मैं आपको चेक करूँगा, मैं क्यों चेक करेंगे भाई, चेक करेंगे, हाँ निकाल दो जेब में, तू जेब में, मैं तेरे से जेब में हाथ नहीं डालूंगा, मैं 100 रुपये नहीं, ये क्या है, ये 200 है, ये 100 है, ये इतना नहीं, क्या है 8 3 24 की प्रशांत गुप्ता और रिंकू शर्मा, रिंकू गुप्ता प्रशांत शर्मा, ऐसे कुछ नाम इंसाइड ये सर एंटी रहने के लिए अलग अलग मिच्छो एंटी मिच्छो है ऊपर एंटी तुम्हारे ऊपर सीधे उसका क्या नाम तुमको काम नहीं होता अच्छा इधर पेप्सी कितने बेच रहे हो, पेप्सी का क्या चार्ज करते हो, इधर क्या चार्ज करते हो, तुमको कौन काम पे रखा, तुमको बता दिया, कौन रखा तुमको, तुमको कौन रखा काम पे, बंसी बंसी ना, बता बंसी देता है ना, अभी बंसी नहीं मिलेगा तो बंसी को काम पकड़ोगे तुम,
अगर बंशी नहीं मिलेगा तुम्हारे गाँव का ही है, गाँव का ही है ना बंदा, एक ही गाँव का है, एक ही गाँव का बंदा, तुम्हारा उसका नंबर नहीं है, नहीं होते यार, नहीं होते नंबर नहीं है भाई, आदमी सबसे पहले नंबर मांगता है, काम से काम पर रहने से पहले भाई मैं फ़ोन करूँगा कहाँ मिलेगा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, नाम आदमी सोच के बताता है, इतना क्या सोच रहा है नाम के लिए, नाम आदमी इतना सोचेगा नाम के लिए, बोलता बंशी तू बोलता है, क्या बेटा नहीं तो फिर क्या लंबा कपड़े होगा मतलब नहीं है, इससे तो बुला लेते हैं, जाना तो हम लोग जाएंगे, बुला लेते अच्छी है, मतलब क्या लंबी कपड़े होगी, क्या है तो कोई मतलब नहीं, बुला क्या है, तुम लोग कितना चार्ज देते कोल्ड ड्रिंक्स का, कोल्ड ड्रिंक्स का चार्ज जो पीछे वेंडर लेके जाए बच्चे कितना चार्ज करते कोल्ड ड्रिंक्स का, हाँ कितना देते दस फिफ्टी, हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, अच्छा सुना करते हो, अस्सी में ले क्या बोलते हैं, अस्सी में है, और जो हमको ऊपर से बोला है कि हम अस्सी लेके आए, वही बोला बंशी भैया तुम्हारा कौन है उनसे मिला था हमको, तुम्हारे मैन हेड कौन है, कौन है मैन बंशी है, अरे कितने कम से कम 200 लोग का भेजा उसने, 80-80 रुपये में कम से कम 200 लोग को, हाँ सीधा 80, हाँ तुम बोलते मेरे गांव को तुम्हारे पास नंबर नहीं है, एक गांव का मंदिर हमारे पास नहीं है, फोन भी नहीं है, आज के दिन में भाई फोन नहीं है, अरे फोन तो है नंबर नहीं है ना, वही बोलता हूँ अभी तुमको कल बंशी पकाने देगा तुम कहाँ पकड़ोगे उसको, अच्छा मुझे पता मैं जैसे ये लेके गया तुम किसको बोलोगे, अच्छा बोले बंशी को बुलाओगे तो तब कैसे बोलोगे, फोन नंबर नहीं रहेगा, अरे नहीं नहीं देंगे अपना पैसे की सीधी बात, लेकिन ऐसे तो ले जाओ खुद लेके जाओ, पैसे ले हम फ्री में ले नहीं देंगे, पहले तो लिया काम कर रहे हैं फ्री में नहीं लेने देंगे आपको, जब बोला गया भाई हम तो आए हमारे काम कर लिया, जो हमारा हमारे पास नहीं है, बता रहा था मेरे को क्या पता, मैंने उससे बोला था ढूंढवा देंगे सर, ढूंढवाने को भी बोला था उनको लेके चलने से सामान को छोड़ देने, हम अपने को ना बंदा तुमने बस एक तो आ सकता, हमें काउंटिंग करनी पड़ता है, हमें मान लो अभी अभी नहीं कब तक नहीं देंगे, हमें बैठना थोड़ी नहीं यार, हम भी नाइट करते हैं तुम्हारे साथ भी नीचे जाए, काउंटिंग करो काउंटिंग का बजाय काउंटिंग कर लो, पहले 10 मिनट का काम है, तुम्हारा नाम क्या, नाम जी का तुम्हारा नाम क्या, नीरू तुम तो सही हो ना, तुम तो गलत नहीं हो ना, मैं तो गलत नहीं, आप देर देर को कर रहे हो, नीरू नंबर नहीं है, नंबर नहीं है, हम बोल रहे हैं हमारे पास नंबर है, हम झूठ बोलना भी है, कहाँ नीचे कहाँ पे, नीचे कहाँ मिलेगा, नंबर नहीं दे रहा नंबर गलत ही हो ना, उसका मतलब कोई विश्वास नहीं है, फोन देख लो अगर नंबर मिल जाए ना, अरे बात उसकी नहीं, इंचार्ज होगा ना कोई, तो बोल रहे ऊपर से मैं हमको दिया तो ऊपर हम इंचार्ज ही पूछेंगे ना, नीचे वाले काउंटर ने ऊपर भेजना, ऊपर जाके बात करो, बोला नीचे वाला तुम दोनों पहचान, तू पहचान बंशी को, तू पहचान बंशी को सकल से, आपको नीचे नहीं मिला, अरे यार मैं कैसे पहले, तू बंशी का मैं लेके बंशी है, तू आ जाए मेरा फोन लगा दे, ठीक है अरे इतने साथ में आ जा, मैं सीधा सीधा चीटिया बना रहे हैं, इस साइड है, इस साइड फिर उसने बोल दिया, रिंकू कुत्ता किधर है, कॉन्टैक्ट नंबर दो उसका।
बंसी के साथ है, वो बंसी माल लेके आता है वो दाम से। क्यों बोलते ना बताइए तेरे को मेरा अरे ना है ही नहीं तो कैसे बताऊं। अरे याद रहेगा ना किसी को कौन बोला इंसान का तो नाम तो रहेगा ना। पैसा किसको देते थे तेरा जो हिसाब था मैं किसको जानता हूं उसे। मैं वो मेरे गांव का है, वो का मेरे गांव का से जानता हूं। हां किसको देते थे नाम तो रहेगा ना। पैसा किसको देता है अरे अजीब है। वांखेड़े में काम कर रहा है भाई तू। हाँ वांखेड़े में कोई नाम ही नहीं। हाँ किसको बैठेगा स्टेडियम में काम कर रहा है नाम नहीं पता तेरे को। ब्लू शर्ट जो बोलेगा उसको पैसा दे देगा। नाम पता होगा बताने तो बेटा लंबा जाएगा सच्ची। काम करो पुलिस और पुलिस वाले लेंगे आज लंबा फंसेगा सच्ची बात। तुमने गलत लोगों का सर हमारा क्या है सर। 80 क्यों अरे 80 रुपए लिया 80 रुपए लिया एक एक मैक का उसने 80 रुपए लिया। मेरे 200 से पेप्सी के मैग है कम से कम 200 लोग को बेचा होगा उसने। सबसे 80 रुपए लिया उसने। सबसे 80 रुपए लिया लिखा 50 रुपीज लिखा है 50 रुपए लेके ऊपर बोलता हूँ। तू अगर ऊपर का लिया है तो हमको भी ये बता कि 50 है अभी तो बच जाएगा। चालू है तेरा। हाँ तो अभी अगर तूने लिया अभी बोले इसे 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 पूछो इसे नहीं इसे इसे पूछो ये था ना। तू इसे जितना भी गिलास का हिसाब दिया कितने से दिया क्या रुपये से हिसाब दिया तुमने। वही दिया 60 और 80 क्यों 60 क्यों अच्छा 60 और 80 को क्यों दिया चल बता। 60 80 क्यों मेरा बोलने दो जिसको गाड़ी पर हां मैं तो बता रहा हूं सुनो तू 10 ग्लास लेके गया है 10 ग्लास लेके अब जो सेठ को 10 ग्लास क्या हिसाब दिया 80 से दिया 60 से दिया। अरे मैं तो अभी तनख्वाह पे आया हूं। अरे तू अरे भाई बाहर में मैं तेरे को क्या बोलता हूं तू 10 ग्लास यहां से ले चेक मोड़ के पहले एक एक मिनट तू यहां से 10 ग्लास लेके गया 10 ले लेके गया 10 ग्लास तेरे खत्म हो गए तो 10 ग्लास का शेयर को 800 दिया है 600 दिया कितना दिया 500 दिया मैं लेकिन 2 दो फिर तू 60 और 80 क्यों लेता तो भाई यहां पूछा नहीं कहा 80 क्यों लिया तेरे से क्या चाहिए भाई मुझे ना बता भाई मैं तो लोगों का तेरे शेयर को तेरे कितना बोला था। अरे माफ करे क्यों माफ दे करे तेरे शेयर पे तेरे कितना लेने का बोला था तेरे शेयर पे तेरे को कितना लेने का बोला था। मुझे ना पता सेठ को। अरे नाम पता बावड़े तेरे को कितना लेने का बोला सेठ ने 80 के साथ 80 बोला तो 60 का नाम पता ना लोगों 60 के लिए अभी तू अभी 60 के लिए 80 बोला ना बोला 80 ले लो तो 60 के लिए अभी मेरे साथ चल नीचे पुलिस स्टेशन पुलिस के पास इसको लेके चलो चल लेके चलो इसको कोई सर्वर नहीं है। हां कौन सर है। अरे सीधा नहीं ये सौ 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 लोग तो क्या पैसे वाले हैं किसी ने पूछा नहीं 80 का 50 दिन का एक एक खाली 80 रुपये किस बात का ले रहे सीधी सी बात है। अरे मरिंडा भी 80 रुपये में चलो सर 80 है 2 लीटर 50 है। हाँ अरे वो 2 लीटर तो जबरदस्ती हाँ जबरदस्ती लिया पूरा बोलते इतना ही होगा वो कौन था। हाँ किसका फोन बोलते इसको लग रहा यही था लग रहा यही था ना चल लेके चलो इसको लेके चलते चलो नीचे चलो मैं तो गोदाम पे रहता हूँ। क्या कौन सा सर कौन सेल कौन करता है सेल कौन करता है कौन पर ये क्या हो गया सर बताइए अरे सबसे लिया सबसे दूसरा बंदा है उसने बोला 50 रुपया मैंने 50 भी लिया दूसरा मेरे से फ्री में लिया वो तो पैसा मैंने लिया क्यों बोला नहीं हमको मैं उसको बुला के आता हूँ देखिए पूरा मैच खत्म अभी तक ही नहीं इधर जाते थोड़ा 80 रुपये लिया उसने कौन था प्रशांत 30 120 रुपया रिटर्न चाहिए जितना बोला मैं उतना लूंगा 120 रुपया रिटर्न चाहिए मेरे चार बंदों का 80 लिया उसने। अरे कितने लोगों से लिया पता नहीं कितने लोगों से लिया पता नहीं 120 लिखा 50 रुपये समोसा अलग है
वो भी मिला नहीं ना, वो भी खाया भाई तो पेप्सी से, वो जो भी है पेप्सी से मैंने बोला था कैसे भी सुबह हमको चाहिए थे पर मैं अरे बस बात बंद है मोटर गिरने की और हमने तो होगी पहले मोटर गिरने की होगी पहले स्टेडियम से किसको पुलिस को बुलाओ या किसको बुलाओ जो चीज सर एक तो ये भी नहीं पता क्या नाम प्रशांत शर्मा मुझे तो ये नहीं पता प्रशांत शर्मा है कौन यहाँ पे ये लड़का बोलता है कि मेरा इंचार्ज प्रशांत ये लड़का बोल रहा हूँ हमसे इतने सुन के लिए हमारे लाके चार साला इस काउंटर पर छोड़ के चला गया माली पहुँचा रहा है रिंकू गुप्ता करके बोल रहा है मेरा प्रशांत शर्मा बोलता है रिंकू गुप्ता मैन है हाँ मैन मेरे घर है वो हाँ फिर बोलता प्रशांत मेरा इधर तेरा इंचार्ज गुप्ता है वो मैन मेरे घर है यहाँ पे हाँ और मैं बोला तेरा इंचार्ज कौन है तो बोला प्रशांत शर्मा मेरा प्रशांत शर्मा बोला बोला ऊपर मिले नहीं आएगा पहले मेरे आगे जो चार मेरे दोस्त बने उनसे 80 लिया दूसरी बार आया ना मिला कितना बेटा 80 मिला पागल तो बोला 60 रुपया मिला 80 का 60 कैसे करेगा फिर बोलता मुझे जितना बोला चलो सर कोई दिक्कत नहीं कितने पैसे और बात पैसे की नहीं है भाई नहीं सर कोई दिक्कत नहीं मैं आपसे सॉरी मांग रहा हूँ बात पैसे की नहीं है भाई लेकिन कितने लोग से भेजा तुम लोग इधर चार ही लोग नहीं कम से कम 100 लोग इधर खरीद होंगे अरे आप एक प्रशांत शर्मा अरे अपना क्या सबको ठुल्लू दिखा रहे लोग अरे भाई सर एक सेकंड एक सेकंड मेरा फोन भी नीचे प्रशांत शर्मा ठीक है इधर सीधे चलते अरे दिल्ली विल्ली के लड़के अगर इनके खिलाफ कंप्लेंट भी करते उनकी गाड़ी को गाड़ी वाड़ी कट जाएगी चाचा सा 1500 बजे बच्चे को काटने का ना सीधा सीधा ये बंदे मेरे सामने 3 कैरेट खाए कैरेट में कितना आता है 12 सर कैरेट में तो 8 भी ले जाते हैं 10 भी ले जाते हैं 10 भी ले जाते हैं 4 भी 15 भी चलो तुम 8 समझो 8 × 3 = 24 और 1 कैरेट 30 रुपये एक्स्ट्रा कमाए कितना हुआ 24 रुपया कोई नहीं दिक्कत 400 मैं सॉरी मांग रहा हूँ ना सॉरी की बात नहीं भाई 24 कैरेट इधर अकेले चार लोग नहीं हम लोग तो 720 रुपए दिन में कितने बता कितने लोग हैं अभी तो मैंने अपनी जेब से दिया सीधे सीधा फ्रॉड कर रहे हो तुम लोग 30-30 रुपए अभी तो मैंने आपको अपनी जेब से दिया देखो प्रशांत शर्मा आ तो नहीं रहा कौन है कितने लोग टूरिस्ट आए थे इधर कितने लोग टूरिस्ट आए थे अभी इधर 200 लोग समथिंग लगे तो 200 लोग कितने पेप्सी दिया पूरा स्टेडियम है सर तो फिर सर कोई नहीं सॉरी मैं सॉरी मांग रहा अरे भाई सीरियस ये नहीं घटता करना है माल पहुंचाना है समोसा वाले 100 रुपया लिया स्वीट कॉर्न 80 लिया झूठ नहीं बोले समोसा वाला काम अलग है भाई और कॉर्नेटर का लिखा ना 1 MRP और आइसक्रीम लिखा ना 1 MRP आइसक्रीम का मेरे हमने बाजू वाले से 80 रुपया लिया 100 रुपया बड़ा वाला वो है भाई भाई मसला ऐसा हुआ कि मैं क्या बोलूं अभी वो ऐसा अभी अभी जस्ट अभी कैसा फ्रॉड हुआ पता है एकदम खतरनाक वाला फ्रॉड हुआ है भाई इतना बड़ा फ्रॉड है ऐसा इतना बड़ा फ्रॉड क्या बोलूं मैं साला 50 रुपये का पेप्सी 50 रुपये पेप्सी 80 रुपये में बेच रहा है सीधा सीधा बोर्ड पे लिखा है कि 50 रुपये सीधा सीधा 80 रुपये कम से कम उसने 200 लोग को बेचा होगा इस ब्लॉक में और सीधा वो MG इतने लोग को उसने मतलब क्या बोलूं अभी मैं भाई देखो भाई वानखेड़े स्टेडियम में ऐसा हो रहा है फ्रॉड तो तुम लोग भी ऐसा सुन के मत लो या फिर ऐसे ही 30 रुपये बोल के मत दो थोड़ा पूछो उससे क्यों कर रहे हो ऐसा क्या नहीं क्यों नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा स्टेडियम है तो एटलीस्ट आवाज़ उठाओ बोलो क्योंकि अकेले की सवाल नहीं कम से कम इधर 30-35,000 का कैपेसिटी वाला स्टेडियम है यार 50 की 30 रुपये ले रहा है तो सीधे सीधा बड़ा फ्रॉड हो गया तो अगर वानखेड़े स्टेडियम बोलो कोई देख रहा है तो प्लीज़ कुछ एक्शन लो ताकि 50 रुपीज़ ओके इट्स एक्सेप्टेबल 80 रुपीज़ ले रहा है तो किसी की भी जलेगी भाई प्लीज़ वानखेड़े वाला कोई देख रहा है तो प्लीज़ कुछ एक्शन लो इसके ऊपर ठीक है चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. Falling and it's worth everything I have. I could feel the butterflies.